সাপ লাগে সাপ সাপ মানলো অনন্ত শেষ তো প্রকৃত বৃত্ত উসি কে কহতে হ্যায় যে হমেশা আপনা প্রভু কা খেয়াল রাখতে প্রকৃত বৃত্ত উসি কে কহতে হ্যায় যে হমেশা আপনা প্রভু কা খেয়াল রাখতে তো অনন্ত শেষ ভগবান কা নিত্য সেবক হ্যায় चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए आप अनंत से जब रहा नहीं थे वो भी यहाँ पे चल पड़े। चैतन्य महाप्रभु आंगन में खेल रहा था, बहुत बड़ा साँप आके मंसा से खेलने लगे। अगर कोई माँ देखे अपना बेटा के साँप से खेल रहा है तो माँ का हाल क्या बनेगा सोच सकते। माँ उसमें पृथ्वी नहीं रहेगा तो सोचो माँ आए रोने लगे। तो अनंत शेष ने पूछा अगर हम और कुछ देर यहाँ पर रह जाएगा तो शशी माता का अवस्था ढीला हो जाएगा। तो फिर शशी माता को प्रणाम करके अनंत शेष रह से चल दिया। एक बार क्या है, एक चोर आया, चोर 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 चैतन्य बॉडी में बहुत सारी गहना लगा हुआ है। तो उसने सोचा ये हमको चुराना है। तो महाप्रभु को उम्र था डेढ़ साल की उम्र था, उसमें अपना सिर पे ले लिया, कान में ले लिया। दो चोर चलने लगे ये कुछ दूर जा कर के उसको निकाल लेंगे। रात्रि 9 बज से लेकर के रात्रि सुबह 5 बज तक चले, अंतिम में जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। सारा रात घूमे वहाँ पर उसको प्राइवेट कार बना लिया, सारा रात घूमे घूम घूम करके सुबह उसी में आ गया। हाँ सारा रात महाप्रभु की नहीं मिला, शची माता जगन्नाथ जी बहुत तो टेंशन में है। तो चोर का पता चला अभी अगर पकड़े जाऊँगा ना तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फिर आप उनको छोड़ करके निकाल गया। एक दिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु छोटा था, इनकी एक शालोग्राम शिला था, अभी वो शिला यहाँ पे रखा है, मूर्ति यहाँ पे रखा है। जब भक्ति सिद्धांत सारे ठाकुर ये मंदिर बनाने के लिए उसको खोदे तो मिट्टी के अंदर उसको मिला। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म के बाद उनका घर में छोटा छोटा शंख चक्र गदा पद्म पेड़ का साँप लगा हुआ था, हमेशा मिलता था। तो शची माता जगन्नाथ मिश्र ये साँप कहाँ जाए, तो जगन्नाथ मिश्र शची माता को समझाता था अरे हमारा जो नारायण शिला है ना वो ऐसे चलती है उनके, लेकिन जो नारायण शिला कौन है ये उनको पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली भगवान जब तीर्थ जगत से जड़ जगत में आती है, ऐसे भक्ति ठाकुर का कथा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सफा सदस्य धाम सह अवतार। यानी भगवान जब जीव जगत से जड़ जगत में आती है उनका माता पिता उनका जो साथी हो आप और हम नहीं है, उनका नित्य पार्षद है। जब वो जीव जगत से जड़ जगत में तो उन्हीं लोग आते, उन्हीं लोग को लेकर के आते हैं और उन्हीं लोग को लेकर के फिर आप ही आपका प्रश्न सकते हैं क्या हम वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे क्या उसमें है ना। इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है हम जो भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था हम जो भक्ति करते हैं इसको कहते हैं साधन भक्ति। यानी सुबह 3 बजे उठना, ठंडा पानी में नहाना, फिर मंदिर में जाना, तिलक करना, मंदिर में जाना, आरती करना, इसको कहते साधन भक्ति। ये साधन भक्ति करते 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 आदमी जब 100% इसको कर लेते हैं तब उसका मृत्यु होता है। मृत्यु होने का पश्चात उसमें क्या करते हैं ना, अगर वो मन में ये विचार है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक सोच है, हर व्यक्ति का जैसे भगवान को प्राप्त करने का 4 मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हर व्यक्ति का हृदय में एक रस का उनका आनंद मिलता है। किसी का उनका पिता बनना चाहते हैं, कोई उनका पुत्र बनना चाहते हैं, कोई उनका साथी बनना चाहते हैं,
कोई उसके बांधवी बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति का एक दिल है, तो उसी का विचार के अनुसार उसका जो सोच है वो सोच का अनुसार उसी सोच को लेकर के जहाँ पे भगवान जन्म ग्रहण करती है वहाँ पर उनका जन्म होता है। और जन्मने का पश्चात ब्रजवासी के सान्निध्य में आकर के भूल त्रुटि कर्णपातक विचार त्रुटि जो है ब्रजवासी के संग सान्निध्य आने का पश्चात वो चार त्रुटि से आदमी निकाल पाता है। और जब तक ये चार त्रुटि रहती है तब तक जीव भगवत पार्षद बनने के लायक नहीं। जब तक ये चार त्रुटि जीव का हृदय में रहती है तो भगवत पार्षद बनने का हिम्मत उसका जरूरत शक्ति उसका नहीं रहते। जब वो ब्रजवासी के सान्निध्य में आती है तो वो चार त्रुटि से निकालती है। और जब चार त्रुटि से निकलती है उसके बाद उसका जो सोच वो सोच कभी हारती नहीं है, वो सोच हमेशा हमेशा दिल में रहती है, वो सोच कभी हारती। फिर क्या होता है उसी का सोच के अनुसार। और कहीं ना कहीं आज भगवान का जन्माष्टमी है, कहीं ना कहीं आज भगवान गोपी लोग का सिर उठा रहा है, कहीं ना कहीं आज रास हो रहा है, कहीं ना कहीं आज कंस को मार रहा है। ये भगवान का जो कृष्ण लीला है ना इसको नित्य लीला कहती है, हमेशा चलती रहती है। तो उसका सोच के अनुसार कोई भी एक ब्रह्मांड में उसका जन्म होगा। और जन्म होने का पश्चात उसका जो सोच है सोच के अनुसार उसका सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हमारे गुरु महाराज भक्तिचार्य महाराज कह करते थे प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। कोई आदमी अगर कुछ करना चाहे उसमें पड़े रहे लगे रहे तो एक दिन ना एक दिन उसको कर पाते हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है प्रभुपाद के आंदोलन में, इस्कॉन के आंदोलन में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमको शामिल कर पाए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए एक जीवन इस्कॉन नौ को में रह करके अपना शरीर को हम छोड़े, दिस इज आना। रूमर्स कहते थे हमको बहुत बड़ा सन्यासी नहीं बनना है, हमको बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं बनना है, हमको बहुत बड़ा सिंगर नहीं बनना है, सिंपल भक्ति जीवन में रहो, सोलोमाला जप करो, भगवान के प्रसाद पाओ, मरो बस का। तो हम बहुत भगवान हैं, कम से कम इस धारा में देखो दिल्ली में लगभग 3-4 करोड़ आदमी होगा, 4 करोड़ मान के चलो, 4 करोड़ आदमी आप बोल सकते हो इस्कॉन का भक्त कितना है। साइज 10,000 भी इनिशिएटेड भक्त नहीं होगा, होगा आज के मान के चलो 10,000 इनिशिएटेड और 10,000 15,000 1,00,000 इस्कॉन का अनुगामी हो। तो 4 करोड़ में 4 करोड़ में 2 लाख आदमी इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, कितना बाकी रहा 3,98,00,000। तो रियली अगर हम तीन मस्ती बहुत भाग्यवान हैं। तो हम यही आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कैसे भी एक जीवन। देखो हमारे ठूमर्जा का कथा क्या कहता है आपको पता होगा, हमारे इंडिया में एक धर्म है सिख धर्म, राइट। तो सिख धर्म के जो गुरु है उनके नाम है गुरु नानक। तो गुरु नानक एक बार क्या किया, एक रिज मतलब जिसके बहुत उनका घर में घूमने गए, जाके देख रहा है उनका घर बहुत झंडा उड़ रहा है। तो गुरु नानक पूछा ए तेरी घर में इतना झंडा क्यों रे। गुरु नानक ने बोला गुरु जी जब हम 10,000 स्वर्ण मोहर मेरे जेब में आते हैं उसके सिम स्वरूप हम एक झंडा उठाते हैं। 10,000 स्वर्ण मोहर जब मेरे जेब में आता है हम एक झंडा को, तो उसका घर में 100 से अधिक झंडा है, यानी टुडे ही इज अंबानी, टुडे अंबानी। अंबानी का कितना पैसा एक दिन में इनकम हो तो उसका भी नहीं पता। तो गुरु नानक ने बोला हेल्प टू मी,
बोले कितना चाहिए बोलो। यहाँ पे नीप सुई है, सुई सुई धागा सुई, सुई लेके आप क्या करोगे? बोले नहीं है क्या? वो कहाँ से ढूंढ करके एक सुई लाया, लाकर के हिंदी में क्या क्या कहते हैं, सुई तो कहते ना, सुई। उसने क्या किया, बोले ये सुई जो है ना मैं आपको डिपोजिट कर रहा हूँ, वो नहीं नीप जा नीप, जो आप मुझे इसका जरूरत हो वो कलेक्ट कर लूँ। तो माता जी लोग क्या करते हैं, वायल के अंदर नीप को रखते ना, मरी से मार जाए, बहुत प्रेम से रखा है उसको रखती है। तीन चार दिन गुरु नानक उसकी घर में रहे, तीन चार दिन रहने के बाद गुरु नानक बहुत पावरफुल व्यक्ति था ना, उसका सान्निध्य आकर के उसका हृदय किसुम चेंज आए। तीन दिन के बाद जब गुरु नानक लिस्ट में उसका घर से निकल रहा है, तब गुरु नानक उस आदमी ने पूछा, गुरुदेव हो नहीं ब्याह करनी कब, आपकी नींव आपको वापस करना है, सो डोंट वरी नेक्स्ट लाइफ जल्दी कुछ नहीं है, दूसरा जन्म में हम लेंगे। तब उसका होश उड़े, अरे वो डेंट कैरी 10 पैसे हम पॉसिबल कैरी और नहीं, मैं 10 पैसा ले नहीं जाऊँ सपने में, आपका नींव हम कैसे ले जाएंगे बाप, एक को ले जाओ। तब गुरानो ने बोले आपका मुँह से ये बात को सुनने के लिए मैंने नाटक किया, आप ही का मुँह से ये बात को सुनने के लिए मैंने नाटक किया। अब 10 पैसे नहीं ले जा सकते हो, 10,000 स्वर्ण और जीप में ढल रहो और एक पिला को उठा रहा हूँ आपने के लिए कुछ करो, तो मैं ये कहना चाहते हैं जला जाना अलक्षण इस अलक्षण विंश देखिए मैं तेरह शंका का 30 लक्षण पशु 10 लक्षण पक्षी ना 70 लक्षण मानुष जल से नव लक्षण पानी के अंदर नहीं लक्ष प्रकार का प्राणी रहते हैं, उसमें से एक प्राणी है जो 500 ईयर जिंदा रहते हैं नील देवी, एक मासी रहते 15 साल, एक मागुर मास रहते 25 साल, एक कुशुक रहते, इसलिए हम गिनते जाएंगे करोड़ साल हमको पानी के अंदर रहना पड़ेगा। स्थवर लक्ष विंशति मिट्टी का ऊपर 20 लाख प्रकार का उद्भिद है, प्राणी जीव है, प्राणी है, जो एक पीपल का पेड़ रहते 500 साल, एक आम का पेड़ 100 साल, एक नारियल का पेड़ रहते 50 साल, एक ताल का पेड़ 100 साल, इस तरह गिने करोड़ साल धूप वर्षा ठंडी में मुझे खड़ा रहना पड़ा। क्रिएटर रुद्र शंकर का जैसे बिस्तर में कृमि होता है ना, ब्रेन में कृमि होता है, 11 लाख प्रकार के कृमि है, 11 लाख 30 लक्षण पोष हवा, 30 लाख प्रकार मिट्टी में चलने वाला जानवर है, कितना 30 लाख 10 लक्षण पक्षी नाम 10 लाख प्रकार का, तो कितना देखो। अब दिल्ली से मायापुर में आए हो, अगर दिल्ली से ना रिटर्न जाना चाहते हो, अगर ट्रेन में जाना चाहते, लेकिन आप कहोगे हम हावड़ा नहीं जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे ट्रेन से, संभव है? संभव है क्या? अब दिल्ली जाओगे लेकिन हावड़ा से नहीं जाओगे, तो जितना भी प्रयास करो राजधानी नहीं पकड़ पाओगे, राइट? इस तरह से 80 लाख प्रकार का जीव, इसमें से हम 50 आदमी आप लोग आए हैं, इसमें से कोई आदमी कह सकते हैं आई हैव नो एनी डिजीज, कोई कह सकते हैं किसी के अंदर कोई रोग नहीं है, इसमें कोई कह सकते हैं हम खुश हूँ, कोई कह सकते हैं? जैसे मछली पानी में रहती है और मछली में यहाँ पे रखा जाए और मिथुन चक्र पे एक हीट स्लिम उसको फ्लो किया जाए, 56 वजन भोग लगाया जाए, ओम जय जगदीश्वर की आरती किया जाए, मछली डाउनलोड पे गोदी लाया जाए, मछली रहेगा खाएगा फिल्म देखेगा, मछली अगर बाबा अगर मुझे जिंदा रखना चाहते पानी में फेंक, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते तो पानी में फेंक। जिस तरह मछली को पानी से निकल कर कितना हम प्रयास कर उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कभी संभव
इसलिए तो पद्म जी भारतवर्ष में तीन व्यक्ति के उदाहरण में आपको बताना चाहेंगे। भारतवर्ष सबसे फैसला अमीर व्यक्ति कौन है? अंबानी। और भारतवर्ष सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? जय श्री राम मोदी। दस रुपये का ना यहाँ कौन? भिखारी। एक भिखारी, एक सबसे पावरफुल व्यक्ति, आप कौन है? अच्छा एक तीन व्यक्ति जब भिखारी और दस जगह हाथ हाथ मान खेलते हैं, एक आदमी पास में दे देते हैं, वो दुकान से एक सिंगड़ा लेके खा जाए, एक गिलास पानी पी के यहाँ पे सो जाए, मच्छर सारा रात को किस करते नींद आ गया क्या? अच्छा अंबानी उसको एक दिन में 1 करोड़ रुपये उसका इनकम होता है, लेकिन वो जब सोते हैं तो 18-20 साल का लेट की उसको पाद आवाते हैं, एसी चलती रहती है, डाउनलोड का गोदी है, बॉम्बे का कंपनी का मैनेजर चोर है, दिल्ली का कंपनी का कैशियर चोर है, ये 50 कंपनी वाले सोचते रात निकाल देते कपाल में नींद, और मोदी वो देश का बाप है, राइट? वो जब रोड में जाते हैं आगे एक स्कॉट पीछे एक स्कॉट बीच में बैठ करके यही गोली चले, राइट? मोदी उसके आगे एक पुलिस वैन रहते पीछे एक पुलिस वैन रहते बीच में बैठ करके ऐसे ऐसे करते हैं, यही गोली चले यही गोली चले यही गोली। बोलो ये तीन आदमी से कोई संतुष्ट है? क्योंकि जब जाएगा संतुष्टि की जाएगा नहीं है, हम कितना भी प्रयास करें संतुष्ट हमें प्राप्त नहीं है। संतुष्ट प्राप्त होगा कैसे होगा? यहाँ से हम संतुष्ट का रोड अगर हम पकड़ लें, साधुगुरु वैष्णव सान्निध्य में रह करके हरि भजन करें तब हम शांति प्राप्त कर सकते। ओके हम जस्ट दर्शन करके निकाले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।